Who shot ya by Biggie Smalls? Who shot ya? Separate the weak from the ops. So भाइयों पिछली बार हमने बात की थी हिट एम अप की, जो कि सबको पता है कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रैक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस गाने यानी कि Who shot ya में ऐसा क्या था जिसे सुनकर पाक को ऐसा लगा कि ये बिगी ने उनके ऊपर बोला है और उनका पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने हिट एम अप बना दिया। So आज मैं फिर से पाक की वही 1994 वाली शूटिंग की कहानी दोबारा नहीं दोहराऊंगा, आप वो मेरे हिट एम अप वाली वीडियो में देख लेना। लेकिन एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पाक के ऊपर 1994 में एक शूटिंग हुई थी और उसी दौरान बिगी का एक गाना आया था Who shot ya, और इसे सुनकर पाक को लगा कि जो उनके ऊपर शूटिंग हुई है वो उन्होंने ही करवाई है। लेकिन अपने बिगी शाह जी ने ये स्टेटमेंट दी कि ये गाना पाक की शूटिंग के 3 महीने पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था। सो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैंने ये गाना पाक के ऊपर लिखा है, बल्कि ये तो मैंने अपने दुश्मनों के लिए लिखा है जो कि मेरे साथ फालतू के पंगे लेते हैं और उनको बताने के लिए कि अगर तुम मुझसे पंगे लोगे तो उसकी सजा मौत है। सो आप फटाफट इस गाने का ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं। सो हाँ जी, क्या चल रहा है अभी, एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिप हॉप के ब्रेकडाउन। सो ज्यादा शानेगिरी ना करते हुए चलिए चलते हैं। सो इंट्रो में पफ कहते हैं एज वी प्रोसीड टू गिव यू व्हाट यू नीड, इससे पफ ये कहना चाहते हैं कि हमने तुम्हें वो दे दिया जिसकी तुम्हें जरूरत है, और यही लाइन रिपीट होती है पूरी इंट्रो में। और इसके बीच बीच में उन्होंने खुद को ही शाउट आउट दिया है जब वो कहते हैं कि 9 to 5 MF, यानी कि जब ये एल्बम रिलीज हुई थी 1995, गेट लाइव MF। यहाँ पर ये कोई इंस्टाग्राम वाली लाइव की बात नहीं कर रहे कि मेरे साथ लाइव हो, बल्कि कह रहे हैं कि मेरे सामने आओ, ईस्ट कोस्ट MF, बिकॉज दे आर फ्रॉम ईस्ट कोस्ट, बैड बॉय MF। यहाँ पर वो खुद के रिकॉर्ड लेबल को शाउट आउट देते हैं बैड बॉय रिकॉर्ड्स को, JMMF यानी कि जूनियर माफिया। और इसके बीच बीच में जो बिगी के एडलिप्स हैं उससे बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि मेरा माइक चालू करो और बीट की आवाज बढ़ाओ। अब आ जाते हैं पहले वर्स पर, Who shot ya, मतलब कि तुम्हें किसने गोली मारी, सेपरेट द वीक फ्रॉम द ऑब्सोलेट। सो बाइबल में एक लाइन है सेपरेट द वीट फ्रॉम द शाफ, जिसका मतलब होता है चावल को उसके छिलके से निकालना। बिगी ने इस लाइन को घुमाकर बना दिया सेपरेट द वीक फ्रॉम द ऑब्सोलेट। हालांकि और वीक वर्ड का मतलब लगभग सेम ही होता है, जैसे कि वीक का मतलब होता है कमजोर और ऑब्सोलेट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो कि अब किसी काम के नहीं है क्योंकि उससे बेहतर चीज इन्वेंट हो चुकी है। सो अगर इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम ही है तो बिगी ने ऐसा क्यों बोला है कि इन दोनों चीजों को सेपरेट हो जाना चाहिए। सो इसका एक सिंपल सा रीजन है, बिगी ने अपने ओपोनेंट को बोला है कि देखो भाई तुम भी मेरे जैसे ही हो, हम दोनों ही बैड हैं, सो अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। Hard to creep them Brooklyn streets, उन्होंने कहा है कि ये बहुत मुश्किल चीज है कि तुम ब्रुकलिन की सड़कों पर आसानी से निकल जाओगे क्योंकि ब्रुकलिन की सड़कें बहुत ज्यादा डेंजरस है। और भाइयों ये बात सच भी है क्योंकि 90s के जमाने में ब्रुकलिन और कॉम्पटन जैसी जगहों में बहुत ज्यादा गुंडा राज फैला हुआ था। फैला तो अभी भी है लेकिन 90s ही था। झुकेगा नहीं, अरे तुम्हारी कमर में दर्द है ना। इट्स NGF, all the bickering beef. बिगी कहते हैं कि इस बीफ को चालू करो और मुझे तुम्हारी तरफ से इस बीफ को बंद करने का कोई भी बहाना नहीं चाहिए। और ऐसा प्रोबेबली उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कई ऐसे रैपर्स थे जो कि फालतू में बिगी के साथ पंगे ले रहे थे, लेकिन सालों में इतना गूदा नहीं था कि सीधा सीधा बिगी के मुंह पर कहे कि मुझे तुझसे कोई दिक्कत है। आई कैन हेयर स्वेट टिकलिंग योर चीक, योर हार्ट ब्रेक साउंड लाइक सैस्क्वॉच फीट। यहाँ पर वो एक पूरा सिनेरियो बताते हैं जहां पर बिगी ने अपने ओपोनेंट के पसीने छुड़ा दिए हैं जो कि उसकी गाल से होता हुआ नीचे टपक रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हारी दिल की धक धक इतनी तेज हो रही है कि जैसे कोई गुरिल्ला चढ़ रहा, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिगी के ओप ने बिगी को देख लिया है उनकी गन्स के साथ। थंडरिंग शेकिंग द कॉन्क्रीट, वहां पर बिजली कड़क रही है और पूरी जमीन ही हिल गई है, इससे वो रेफर कर रहे हैं कि उन्होंने गोलियां चला दी हैं अपने ओपोनेंट के ऊपर। फिनिश इट स्टॉप व्हेन आई फॉल द प्लॉट नेबर्स कॉल द कॉप्स एट द हेड मैड शॉट्स फॉइल द प्लॉट, भाइयों इसका मतलब होता है कि किसी को उसका मिशन करने से रोक देना। और बिगी ने कहा है कि उन्होंने अपने ओपोनेंट के साथ ऐसा ही किया है, मतलब कि उनका मिशन फेल कर दिया है। और जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने पुलिस वालों को फोन कर दिया है क्योंकि उन्होंने अभी अभी बहुत तेज गोलियों की आवाज सुनी। Saw me in the drop 3 in the corner. So इस लाइन के 2 मीनिंग हो सकते हैं। पहला ये कि बिगी ने कहा है कि उन्होंने अपने ओपोनेंट पर पहले वार किया है जबकि 3 बंदे उनके साथ थे, और दूसरा ये कि बिगी अपने ओपोनेंट को कह रहे हैं कि तुमने मुझे मेरी न्यू एल्बम में देखा ही होगा। और ये कंफ्यूजन यहां पर इसीलिए है क्योंकि इस लाइन में जो ड्रॉप वर्ड यूज किया है बिगी ने, उसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई एल्बम ड्रॉप करना और दूसरा ये कि किसी लड़ाई की शुरुआत करना। मतलब कि तुम्हारे सारे ग्रुप को मैंने गोलियों से उड़ा दिया है और जो तुम्हारी लड़की है उसको हमने किडनैप कर लिया है इलेक्ट्रिकल टेप के साथ। काली टेप आपको पता ही होगा। आर यू कॉमेडी मी?
भाइयों आपने एक बात नोटिस की कि इस लाइन में बिगी ने अपने दुश्मन की लड़की को किडनैप करने की बात की है, जिससे कुछ हद तक ये बात साबित होती है कि ये गाना पाक के लिए बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पाक के कभी भी बच्चे नहीं थे। ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल नीड टू लर्न दो आई बर्न बेबी बर्न लाइक डिस्को इन्फर्नो। आगे वो कहते हैं कि मुझे ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल दोनों ही करना सीखना पड़ेगा, और इसी के साथ वो शाउट आउट भी देते हैं ट्रैम्प्स के गाने डिस्को इन्फर्नो को, और उसका हुक भी गाते हैं बर्न बेबी बर्न, बर्न स्लो लाइक ब्लंट्स विद यायो। यहाँ पर यायो एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है कोकेन, और ब्लंट का तो आपको पता ही होगा एक तरह की सिगरेट होती है, मोटी सिगरेट। सो जब कोकेन को ब्लंट के साथ मिलाया जाता है और फिर उसको जलाया जाता है, तो वो जलने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है वो। सो एग्जैक्टली यही बोला है बिगी ने यहाँ पर, और ये लाइन पिछली लाइन से कनेक्टेड भी है क्योंकि बिगी ने वहां पर बोला था बर्न बेबी बर्न, पील मोर स्किन्स देन इडाहो पोटैटो, मतलब कि वो अपने दुश्मनों को गोलियां मारकर उनकी स्किन छील देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम कोई आलू छीलते हैं। और इसी लाइन में एक वर्ड है इडाहो, जो कि एक अमेरिकन स्टेट है, और इस स्टेट की खासियत ये है कि ये आलुओं को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, मतलब कि उनकी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। एंड जस्ट नो द लिरिक मोलेस्टिंग इज टेकिंग प्लेस एफिंग विद द बीआईजी इज एंड सेफ। बिगी कहते हैं कि तुम लोगों को पता है कि मेरे जो लिरिक्स हैं वो लिटरली तुम्हारी मार लेते हैं, तो मेरे साथ पंगा लेना एक सही डिसीजन नहीं है। आई मेक योर स्किन शेफ रैशेस ऑन देम एसिस बम्प एंड ब्रोसिस ब्लंट एंड लैंड क्रूसिस, मतलब कि उन्होंने अपने दुश्मनों की स्किन पर नील डाल दिए हैं, उन पर चोटें आ गई हैं और उनकी गांड पर रैशेस आ गए हैं। रैशेस पड़ गए, दिखाऊं आपको? रैशेस दिखाऊं? मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो रैशेस, देखिए ये देखिए रैशेस। और इसी के साथ बिगी कहते हैं कि उनके पास ब्लंट्स हैं और लैंड क्रूजर्स भी। बिग पापा स्मैश फूल्स बैश फूल्स एंजीज मैड बिकॉज आई नो द कैश रूल्स एवरीथिंग अराउंड मी टू ग्लॉक 9। बिगी कहते हैं कि वो अपने हाथों में दो दो बंदूकें पकड़कर लोगों को उड़ा देते हैं, जिससे वो अपने खुद के गाने वार्निंग का रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि उस गाने में भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। और इसी के साथ वो कहते हैं कि लोग उन्हें देखकर पागल हो रहे हैं, क्योंकि बिगी को पता है कि मोटा पैसा कैसे छापा जाता है, जिससे वो रेफरेंस देते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैप ग्रुप वू-टैंग क्लैन के गाने क्रीम को, यानी कि कैश रूल्स एवरीथिंग अराउंड मी एनी एमएफ विस्परिंग अराउंड माइंस। यहां पर भी वो सेम बात करते हैं कि वो उन सबको अपनी बंदूकों से उड़ा देंगे जो भी उनके बारे में एक दूसरों से बात करते हैं। एंड आई एम क्रुकलिन्स फाइनेस्ट यू रिमाइंड दिस बैड बॉय बिहाइंड दिस। यहां पर बिगी कहते हैं कि वो अपने शहर यानी कि ब्रुकलिन के बेस्ट रैपर हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि लिरिक्स में तो क्रुकलिन लिखा है, तो भाइयों क्रुकलिन एक 1994 की फिल्म थी जिसको कि बिगी ने यहां पर शाउट आउट दिया है। ऑल्सो बिगी क्रिप गैंग से एफिलेटेड भी थे, और जो क्रिप्स होते हैं वो अपने स्टाइल में ब्रुकलिन को कभी कभी क्रुकलिन भी बोलते हैं। और इसके साथ वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसको जरा रिवाइंड करके देखो और तुम्हें पता चलेगा कि उसके पीछे हमारा हाथ था। अब आ जाते हैं सेकंड वर्स पर। आई सीन द लाइट एक्साइट ऑल द फ्रीक्स टैक मैड चिप स्प्रेड लव विद माय पीप्स। यहां पर बिगी बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनको और उनके दोस्तों को अपने दुश्मनों पर गोलियां चलाकर बहुत मजा आ रहा है। एंड जस्ट वांना क्रीप गो टू वॉच माय बैक थिंक द कॉग्नैक एंड इंडोसैक मेक मी स्लैप, मतलब कि बिगी के दुश्मन बिगी की पीठ पीछे से चुपके से निकल जाना चाहते हैं, और बिगी कहते हैं कि दारू और भांग से उन्होंने अपना होश खो दिया है। आई स्विचेस ऑल दैट सी सकर जीज अप वन फॉल्स मूव गेट स्विस चीज्ड अप। यहां पर वो रेफरेंस लेते हैं स्नूप डॉग के गाने जीज अप और होश डाउन का, और अपने दुश्मनों को ये वर्ड बोलते हैं, और इसका मतलब होता है अश्लील है ये लोंडा। और इससे अगली लाइन में बिगी अपने दुश्मन को कहते हैं कि तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी हालत एक स्विस चीज की तरह कर सकता है। स्विस चीज यानी कि वही अंग्रेजों वाला मक्खन जिसमें कि छेद होते हैं और जो हमने सिर्फ टॉम एंड जेरी में देखा है। सो ऐसे बिगी के दुश्मन में भी होल्स हो सकते हैं अगर वो बिगी से पंगा लेंगे तो। क्लिप टू टैक रिस्पेक्ट आई डिमांडेड, मतलब कि बिगी को एक फुली लोडेड टैक 9 गन चाहिए और दूसरों से रिस्पेक्ट। स्लिप एंड ब्रेक द 11th कमांडमेंट। अब इस लाइन में मुझे थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन है, मुझे बेसिकली समझ ही नहीं आया कि बिगी ने इस लाइन में कहा क्या है। बस इतना पता है कि इस लाइन में क्रिश्चियनिटी की कोई बात हो रही है। बस हवा निकल गई। इफ यू गॉट इट कमेंट में बताओ। थो शॉर्ट नो एफ विद रॉ सी पापा। अब साला ये लाइन भी बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि बिगी अपने आप को बिग पापा के नाम से भी बुलाते हैं। अब इस लाइन में बिगी ने कहा है कि तुम्हें मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। अब कईयों का ये कहना है कि इस लाइन के एंड में बिगी ने बोला है नॉर सी पापा, यानी कि इसका मतलब बनता है कि तुम्हें मुझसे पंगा तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझे देखना तक भी नहीं चाहिए। कईयों का ये कहना है कि यहाँ पर उन्होंने बोला है लॉर्ड सी पापा, जिसमें सी शो कर रहा है उनका रियल नेम क्रिस्टोफर, और वो अपने आप को एक भगवान बोल रहे हैं। और फाइनली कईयों का ये कहना है कि उन्होंने बोला है रॉ सी पापा, जिसका मतलब है कि जो है वो
मैं हूँ और मैं जो हूँ वो है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। Feel a thousand deaths when I drop ya, I feel for you like Chaka Khan, I'm the Don। मतलब कि उनको अपने उस एक दुश्मन को मार के ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उन्होंने हजारों बंदों को एक साथ ही टपका दिया हो। इसके आगे उन्होंने अपने आप को एक डॉन बताया है और चका खान के एक गाने I feel for you का रेफरेंस लिया है। Pee when I want Rolex on the arm, you die slow but calm। मतलब कि अब उनकी लाइफ ऐसी बन चुकी है कि उनको सब कुछ अपने टेबल पर मिलता है। लड़की चाहिए, हाजिर है। लड़की की चाहिए, वो भी हाजिर है। और इसके साथ वो कहते हैं कि मेरे हाथ में एक रोलेक्स की घड़ी है और अपने दुश्मन को कह रहे हैं कि तुम्हारी मौत भले ही थोड़ी धीरे धीरे हो रही है लेकिन ज्यादा शोर मत बचाओ, थोड़ी शांति पाओ। सो यू नो वेयर टू टेल जेक लेम एनजी ब्रेव एनजी टर्न फ्रंट पेज एनजी। बिगी कहते हैं कि उनके चेहरे को याद रखना क्योंकि उन्होंने ही ये सब किया है। और आगे वो कहते हैं टर्न फ्रंट पेज। सो मैं आपको बता दूं कि 1994 में जब पाक पर शूटिंग हुई थी तो उसी दौरान वो एक सेक्सुअल असॉल्ट के केस में भी जूझ रहे थे और उनको कोर्ट में पेश होना था लेकिन उसी दौरान उन पर गोलीबारी हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऑल आइज ऑन मी मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि उसमें एक सीन था जहां पर दिखाया था कि टूपाक हॉस्पिटल से निकलकर सीधा व्हीलचेयर पर बैठकर ही कोर्ट चल पड़ते हैं। और भाइयों ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, ऐसा सच में हुआ था और पाक की ये फोटो उस वक्त सारी अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी थी। सो शायद पाक को इसीलिए ऐसा लगा कि ये लाइन उन पर है क्योंकि यहां पर बिगी ने फ्रंट पेज पलटने की बात की है। पफ डैडी फ्लिप्स डेली, मतलब कि पफ डैडी इतना वेला है कि वो रोज ही नोट गिनता है। आई स्मोक द ब्लंट्स ही सिप्स द बेलीज ऑन द रॉक्स टॉट ग्लॉक्स एंड क्रिश्चनिंग्स एंड माय ग्लॉक इन ए फाइन पोजीशन एंड बिगी कहते हैं कि वो ब्लंट्स फूंकते हैं और पफ बेलीज पीता है और उनके पास बंदूकें हैं जो कि उन्होंने निकाल ली हैं और पोजीशन पर रखी हैं और इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको इस गाने के इंटरल्यूड में बताता हूं। सो इंटरल्यूड में बिगी एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जहां पर उनके दुश्मन उनके सामने हैं और बिगी ने उनके दुश्मनों को पकड़ा हुआ है और उनके मुंह में बंदूक डाली हुई है और कह रहे हैं कि तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो और उसके बाद और फिर ये गाना समाप्त हो जाता है। सो इस गाने में बिगी ने पाक के ऊपर शॉट्स लिए हैं, नहीं लिए हैं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो नहीं। पाक को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसके कारण इन दोनों की बीफ हुई, जिसके कारण ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड हुआ, जिसके कारण हमें वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डिस देखने को मिला हिट एम अप, और जिसके कारण हमने दो ओजीज को खो दिया। सो भाइयों अगर आपने इस गाने को ध्यान से सुना है या फिर समझा है तो आपको पता चलेगा कि इस गाने की कुछ लाइंस पाक ने अपने हिट एम अप गाने में घुमाकर मतलब उसमें पेश करी है जो कि डिस के रूप में हमें देखने को मिला। सो आप अब कमेंट करो कि आपका क्या टेक है इस गाने के बारे में। और अगर ऐसे और भी ब्रेकडाउन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी हिप हॉप के ब्रेकडाउन प्लेलिस्ट को फॉलो करो। और अगली बार जब ये गाना सुनोगे तो एक बार अपने भाई को जरूर याद करना। तू ड्रेक है? सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम गाते खुशी की डोली।